हिमालय विकलांग कल्याण एसोसिएशन मंडी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस मौके पर हिमालय विकलांग कल्याण एसोसिएशन मंडी की जिला प्रधान हेमलता पठानी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विकलांग व्यक्ति को हर क्षेत्र में 4% आरक्षण दिया जाता है और ये आरक्षण पंचायती चुनावों में भी दिया जाना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिमालय विकलांग कल्याण एसोसिएशन मंडी की जिला प्रधान हेमलता पठानिया ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा कुछ ही रूटों में बस सेवा शुरू की गई है, इसलिए विभाग द्वारा सभी रूटों में बस सेवा जल्द से जल्द शुरू की जानी चाहिए ताकि विकलांगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। मैं हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था की जिला प्रधान हूँ। आज जो है हमारी बैठक लगभग 7 महीने के बाद हो रही है, क्योंकि पहले शिवरात्रि करके हमारी यहाँ पे बैठक नहीं हुई, उसके बाद जो है लॉकडाउन लग गया, तो हमारे को जो है बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा इस लॉकडाउन में। तो तब विकलांगों ने कहा कि एक बैठक करके जो है इनके ऊपर चर्चा की जाए। तो आज जो है सबसे बड़ी समस्या जो है हमारी वो है कि जैसे कि UDID कार्ड जो हमारे बन रहे हैं, सरकार बनवा रही है, तो वो हमारे विकलांगों के नहीं बन रहे हैं। कईयों को तो एक एक दो दो साल भी हो गए जो अभी तक नहीं बने हैं, बनने को गए हैं। दूसरा जो है आज जो है ये बैठक इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि अभी 25 तारीख को जो हमारे डी सी साहब के साथ एक मीटिंग है विकलांगों से संबंधित, तो उसके लिए भी हमें मुद्दे चाहिए थे, उसके लिए भी हमने आज चर्चा करनी है क्योंकि हमारे दिव्यांगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही है। जैसे कि पंचायत स्तर पे जो चुनाव हो रहे हैं उसमें दिव्यांगों की कोई सुनवाई नहीं होती, तो हम चाहते हैं कि विकलांगों को जैसे कि हर क्षेत्र में 4% का आरक्षण है, तो पंचायत चुनाव में भी विकलांगों को आरक्षण होना चाहिए। और जैसे कि और ये जो बसेज हैं तो बसें कई रूटों पे चल नहीं रही है लॉकडाउन के कारण, तो हम चाहते हैं कि कुछ बसें जो है वो टाइम से चलनी चाहिए, और जो हमारे बच्चे अब स्कूलों में भी जाएंगे पढ़ रहे हैं तो उनको भी दिक्कत आएगी, वो भी हमारा होना चाहिए। और तीसरी एक समस्या हमारी मेन ये है कि ये जो विकलांग भवन की हमारी मांग है बड़े वर्षों से चली आ रही है, तो हम चाहते हैं कि कोई भी कहीं भी अगर कोई सरकारी बिल्डिंग खाली पड़ी हो तो वहाँ पे विकलांगों के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए ताकि वहाँ पे हम बैठक कर सकें। तो ये भी हमारी एक मांग है और कई वर्षों से चली आ रही है।